नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मौर्य पंजाबी जी क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप लोगों ने अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को परीक्षा है, तो आप एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड करते नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि वीडियो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति रिलेटेड कई सी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको बहुत से सारे वीडियो लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति रिलेटेड यानी एंसोर के या रिजल्ट जो भी रिजल्ट अपडेट होगा या एंसोर के कल परीक्षा का उसका एंसोर के हम कल अपने चैनल पर अपलोड कर लेंगे, आप लोग कल वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या सावधानी पूर्वक आपको एग्जाम में करना है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, यानी अभ्यर्थियों को 10 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है। 10:30 बजे अभ्यर्थियों को केंद्र में एंट्री दी जाएगी। एंट्री के लिए अभ्यर्थी के पास प्रवेश होना अनिवार्य रहेगा, यानी कि जो जिस जिस अभ्यर्थी का परीक्षा है कल यानी 13 अक्टूबर को, तो उनको प्रवेश पत्र ले जाना जरूरी रहेगा। प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजे गए हैं, यानी कि जो फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर डाले थे उन अभ्यर्थियों के मोबाइल पर मैसेज भेजा गया है। यदि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की समस्या है तो छात्र अपनी स्कूली फोटो यानी कि स्कूल का जो ड्रेस है ड्रेस के साथ फोटो बनाना होगा और पहचान पत्र भी लेकर पहुंच सकते हैं, यानी जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है वो स्कूल वाला अपने ड्रेस के साथ फोटो और एक पहचान पत्र कापी लेकर वहाँ पर पहुँच सकती है। यानी ओरिजिनल ID उनको ले जाना पड़ेगा आधार कार्ड के साथ, या स्कूल का ID भी होना चाहिए। खास बात यह है कि दृष्टि बाधित अभ्यर्थी अपने साथ सहायक को ले जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सहायक अभ्यर्थी से कम पढ़ा लिखा हो जिसका स्कूली परिचय पत्र देखा जाएगा, यानी कि जो अभ्यर्थी दृष्टि बाधित हैं वो अपने साथ सहायता के लिए अपने साथ एक को ले जा सकते हैं, लेकिन वो आदमी अभ्यर्थी से कम पढ़ा लिखा हो और उनका भी एक ID देखा जाएगा। तो एग्जाम में प्रवेश पत्र ले जाना जरूरी है। अगर जिन अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं निकल पाया है तो स्कूली फोटो कापी ड्रेस के साथ फोटो कापी बनवा लें और एक ID लेकर जाना जरूरी रहेगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।